Hey, what is up gamers? It's RSJ back again with another YouTube video on PUBG Mobile. और आज हम compare करने वाले हैं M416 with AKM. So video का अंत तक जरूर देखना, पसंद आए तो like कर देना, share कर देना and channel को subscribe कर देना for more awesome content. So without wasting any more time, let's get started. अब दोनों ही गन्स बेस्ट है, बट अगर बात करें कौन सी यूज़ करनी चाहिए तो इट डिपेंड्स ऑन योर सेकेंडरी वेपन. और पहले हम थोड़े डिटेल्स जान लेते हैं इन दोनों ही गन्स के बारे में. सो M416 का अटैचमेंट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं 4, रेंज है 100 to 600 meters, बुलेट स्पीड है 880, फायरिंग रेट 0.086 seconds, डैमेज है 41. और अब हम बात करते हैं AKM के अटैचमेंट्स दो, रेंज 100 to 400 meter, बुलेट स्पीड 715, फायरिंग रेट 0.100 seconds एंड डैमेज 48. सो डिटेल की तो हमने बात कर ली है दोनों ही गन्स की. M416 में चार अटैचमेंट्स लगते हैं विदाउट स्टॉक एंड फोर ग्रिप. मुझे नहीं लगता कितनी ज़्यादा बेटर है M416 और AKM की. यहाँ पे दो अटैचमेंट्स लगते हैं, बट यहाँ पे कंपनसेटर या फिर फ्लैश हेड आपके पास नहीं है तो यहाँ पे हार्ड हो जाएगा रिकॉल कंट्रोल करना, और क्रॉस हेयर से मारना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा. बट अगर हम बात करें बुलेट स्पीड एंड फायरिंग रेट की तो M416 का ज़्यादा है एंड डैमेज तो ऑब्वियसली AKM का ज़्यादा ही होगा क्योंकि वो 7.62 बुलेट वाली गन है. और अगर बात करें तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि इट डिपेंड्स ऑन योर सेकेंडरी वेपन, कि आप कौन सी यूज़ कर रहे हो अपनी सेकेंडरी वेपन. इफ़ यू आर यूजिंग बोल्ट एक्शन स्नाइपर जो कि AWM, M24 या Kar98, तो आपको जाना चाहिए विद M416, क्योंकि अगर आप कभी कभार स्नाइपिंग कर रहे हो तो शॉट कनेक्ट नहीं कर पाते हो और बंदा बहुत ही ओपन में होता है, तो आप यूज़ कर सकते हो M416 को. यहाँ पे स्कोप कोई भी यूज़ कर लो, M4X ले लो या फिर 6X करके आप स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप सिंगल शॉट लेके भी आप मार सकते हो अपने एनिमी को. तो ये एक रीज़न है कि आपको बोल्ट एक्शन स्नाइपर्स के साथ M416 यूज़ करनी चाहिए. एंड अगर आप यूज़ कर रहे हो DMR जो कि है Mini-14, SKS, SLR या फिर AR लाइक M16A4 जो कि हम यूज़ करते हैं मिड रेंज और फार रेंज के लिए, तो आप जा सकते हो विथ AKM क्योंकि यहाँ पे डैमेज इसका ज़्यादा है. एंड अगर क्लोज रेंज में आ गया तो यहाँ पे डैमेज के हिसाब से हम मार सकते हैं, क्लच भी कर सकते हैं इफ़ आपके पास एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ है या फिर क्विक ड्रॉ है, क्योंकि आप देखें तो रिलोडिंग टाइम ज़्यादा है AKM का M416 है, तो आपको एक्सटेंडेड सिर्फ यूज़ नहीं करना चाहिए. अगर आपको क्लच करना है तो आपको क्विक ड्रॉ तो चाहिए ही, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि रिलोडिंग स्पीड ज़्यादा है AKM की एज़ कम्पेयर टू M416. तो आप DMR के साथ यूज़ कर सकते हो AKM. एंड लास्ट थिंग, DP28 के साथ कौन सी यूज़ कर सकते हो, M416 या फिर AKM? तो DP28 के साथ दोनों ही गन्स बेस्ट रहेगी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. सो यार, दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो एंड डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो, बोथ लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड